राजस्थान में, राजस्थान में गहलोत सरकार के पिछले 4.5 साल के अंदर भ्रष्टाचार, चरमराई कानून व्यवस्था, यौ किसानों के साथ झूठे वादे, पेपर लीक, दलित आदिवासियों का अपमान, तुष्टिकरण, बिजली और इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जन को साथ लेकर के आगामी 1 अगस्त को राजस्थान जयपुर में हम सचिवालय का महाघेराव करेंगे, जिसमें पूरे राजस्थान के कोने कोने से लाखों लोग पहुंचेंगे और अजमेर से भी हजारों कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ से, प्रत्येक शक्ति केंद्र से वहां पर रहेंगे और इस सरकार को ये बता देंगे कि आपकी जनता जो 8 करोड़ आपके कारनामों से त्रस्त है और उसे पर्टिकुलर जो पिछले दिनों जिस प्रकार के इनके 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का मुद्दा लाल डायरी के ओर से सामने आया है, मैं समझता हूँ कि आपने एक मंत्री रहे हुए, आपकी सरकार के मंत्री जिसे दो दो बार आपकी सरकार को जो है जिंदा रखा, मुख्यमंत्री के अपने पद से नहीं हटने दिया, ऐसे व्यक्ति को सत्ताधारी दल ने अपने सत्ताधारी MLA को धोखा और उसके साथ उसकी लाल डायरी छीन ली जिसमें 500 करोड़ का है और उसमें भी अजमेर के जो मुख्यमंत्री के खास बने फिरते हैं, मैं यदि कहूँ तो मुख्यमंत्री के दलाल हैं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने वहाँ पे 500 करोड़ की ये डायरी, लाल डायरी उनके घर से गायब की गई और जब ED और इनकम टैक्स का वहाँ पे छापा पड़ा उसे किसका हिसाब है। अतः मैं आपके माध्यम से ये लोगों से मांग करता हूँ, उस लाल डायरी को जनता के बीच में लाइए और सबके सामने उसके पत्ते खोलिए तो असलियत मालूम होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 4 साल राज किया है, किस प्रकार से MLA को खरीदा है, किस प्रकार राज्यसभा चुनाव में प्रलोभन दिए, जिस प्रकार से उन्होंने लोगों के जबान बंद किए, अपने 100 MLA के कांग्रेस ने लूट कर दिया है, इसी प्रकार का भ्रष्टाचार का महामुद्दा होगा, पेपर लीक का मुद्दा होगा, जिस प्रकार से इन्होंने जो गोपाल केसावत से लेकर के का भ्रष्टाचार किया है और साथ में सचिवालय के अंदर 2.3 करोड़ रुपए नगद और 1 किलो सोना जिस प्रकार से सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय के 100 कदम भी दूर वहां पर इस प्रकार का पकड़ा गया है, ऐसी भ्रष्ट सरकार। और तीसरा मुद्दा हम ले जाएंगे महिलाओं के अत्याचार जिसमें धड़ाधड़ राजस्थान के अंदर रेप कर रही है। आज मैं कहीं कांग्रेस को देखता हूँ, यदि आप कहीं भी आप में मर्यादा है, कहीं भी आपकी शर्म है तो सबसे पहले राजस्थान में जो रेप की घटना है इनको रोको, इसके खिलाफ आवाज उठाओ और गहलोत जी को मजबूत करो ताकि इनको वह रोक सके। मणिपुर की घटनाएं तो मणिपुर की घटनाएं दुखद होंगी, उसके लिए कार्रवाई चल रही है, लेकिन यहाँ के कांग्रेस ने अपने राजस्थान का नक करके आगे बढ़े और साथ में ये हिंदू विरोधी सरकार जो तुष्टिकरण कर रही है, हर काल में हिंदुओं के त्योहारों पे तो कटौती करना, या हमको पानी उपलब्ध नहीं कराएंगे, हमको 3-3, 4-4 दिन देंगे, लेकिन जब उर्स का मेला आएगा तब एक ही दिन में 2-2, 3-3 बार पानी उपलब्ध कराएंगे। और साथ में जिस प्रकार से कन्या की हत्या हुई है, बाकी सारे मुद्दे हुए, मैं समझता हूँ ये केवल अपीजमेंट की सरकार है, ये वोट के खातिर है, लेकिन जनता ने मानस बना लिया है कि सरकार को विदा करके ही हम कह देंगे आगामी 23 और 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम इस सरकार का पूरी पोल खोल करके ये डायरी के माध्यम से और इनके जितने भी काले कारनामे हैं सबको जनता के सामने हम लोग लाएंगे।